अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुशामदीद। उम्मीद है कि एक नए ए प्लस दिन का आगाज़ हो गया होगा आप लोगों का। जिस वक्त ये शो स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे के ऊपर ज़रा मुस्कुराहट थी। कोशिश मेरी ये होती है कि मेरे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहे, और ये मुस्कुराहट जो होती है वो किसी भी शख्स की ज़िंदगी को बदल देती है। और अगर आपकी एक मुस्कुराहट किसी एक शख्स की ज़िंदगी को या उसके दिन को बदल दे, तो मैं समझती हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस मुस्कुराहट का मकसद ये था कि हमारी जो एक टीम बनी हुई है, माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये बड़ा एहसान होता है कि अगर आप किसी घर में रह रहे हों और उस घर के अंदर जो पूरी फैमिली है वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो, उनकी आपस में एक वो जो कनेक्शन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो। और मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि ना सिर्फ घर में बल्कि जो मेरा ये ए प्लस घराना है, जिसके अंदर हमारे साथ सुबह सुबह हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, वो बच्चे भी होते हैं जो हमें चाय देते हैं, वो भी होते हैं जो हमारे कैमरामैन हैं जो हमें खूबसूरत दिखाते हैं, और तमाम लोग हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ऑल दीज पीपल। आप यकीन कीजिए कि इतनी मोहब्बत है, इतनी हमारी आपस के अंदर वो कनेक्टिविटी है कि उसकी वजह से हम एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहटों का बायस बनते हैं। और इससे बढ़कर क्या नेमत और रहमत हो सकती है अपने रब की। और कल हमारे एक भाई का फ़ोन आया था बहुत दूर से, और उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बातों से किया करें। तो आप यकीन कीजिए कि हम कोई भी काम करें, हम अपने रब की मर्ज़ी के बग़ैर कर ही नहीं सकते। हमारा यहाँ पे बैठना भी ये प्रूफ है कि उस रब की रज़ा है और हम यहाँ बैठे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस ज़िम्मेदारी के साथ बैठें कि हम अपने देखने वालों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें और कुछ ऐसी बात करें कि जिससे आप सीख सकें। और शुरू दिन से अब तक और आखिरी दम तक यही बात होगी कि ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाना है, मगर उसके साथ बामकसद और बामानी बनाना है। ख़वातीन हज़रात, आज सुबह जिस वक्त मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि मैं एक अखबार पढ़ रही थी, और उस अखबार के अंदर एक बहुत अच्छी रिसर्च आई हुई थी, और वो ये थी कि अगर माँ बाप का आपस में रिश्ता बेहतर है और घर का माहौल अच्छा है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, यानी उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम मुश्किलात आती हैं। और अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो उनको इतनी स्ट्रेंथ मिली होती है घर से कि वो उन मुश्किल का बाखूबी मुकाबला करते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो आने वाला कल होता है, यानी अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा माहौल देते हैं, आने वाले वक्त में वो बच्चे बहुत अच्छे हस्बैंड और बीवियाँ साबित होती हैं, और ऑब्वियसली फिर वो एक सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है। और कल आपको याद होगा कि हमने एक जो सिलसिला शुरू किया है, पीस कीपर मैं भी बन गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी मेरे देखने वाले हैं इस बात को समझें और उस अमन की और उस सुकून की अहमियत को समझने की कोशिश करें जिसकी हर शख्स को तलाश होती है। और खुशी की ये भी बात है कि मेरे साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे यहाँ पे दो मेरी सहेलियाँ, बहुत सारे मेरे दोस्त, हमारे कलीग्स, मेरे भाई यहाँ पर भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया और वो भी पीस कीपर बने। और इंशाल्लाह हमारा ये अज़्म है, हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये कोशिश कामयाब होगी कि हमें अपने इस मुल्क को पुरअमन बनाना है और ज़िंदगी को ख़ुद ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है बल्कि जो हमारे घर के लोग हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी सुकून लाने का बायस बनना है। यहाँ पे हम एक हमारा सेगमेंट होता है सुबह सुबह, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कौम को जगाया जाए सिर्फ बातों की सूरत में नहीं, वादा करके, और वादे के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके ऊपर अमल, क्योंकि अमल ही से ज़िंदगी बनती है। तो देखते हैं कि आज कौन सा वादा है, क्या वादा है जो हम आपसे करने जा रहे हैं। एक ऐसा अमल जो किया जाता है मगर वो दुरुस्त नहीं है। लेट्स हैव अ लुक।
अब सवाल हमें आपसे ये करना है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि ये जो सरजमीन है ये बहुत ही खूबसूरत है, हमें इससे मोहब्बत करनी है, ना कि हमें इसे थूकदान बनाना है। ये इस तरह की जो हम अमल करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पान बहुत शौक से खाते हैं, वो कभी इधर थूक रहे होते हैं, कभी उधर थूक रहे होते हैं। अगर वो लोग जो पान नहीं भी खा रहे, उनको भी ऐसा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि आपको प्रॉपरली डस्टबिन के अंदर या जो थूकदान होता है उसके अंदर थूकना है, इस चीज़ की बहुत कमी है। और ये मुझे बड़ा दुख होता है, बल्कि मेरी अक्सर लोगों से लड़ाई हो जाती है कि ये आप क्या करते हैं, आपका घर है, आपको घर को भी साफ़ रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पे ही करें। तो क्योंकि अब लड़ना मैंने कल से छोड़ दिया है और अमन पसंद मैं बन गई हूँ और अमन को इंशाल्लाह लेकर चलना है, तो लड़ देंगे तो हम आपसे नहीं, मगर यह है कि ज़रूर आपसे प्यार और मोहब्बत से इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस अमल को रोकिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक बहुत नापसंदीदा अमल है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे जरासीम हमारी इस फिज़ा के अंदर आ जाते हैं, किसी को बीमारी लग सकती है आपके उस थूक की वजह से। तो इस चीज़ को अपने ज़िंदगी से निकालिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, शायद हम ये जानते ही नहीं हैं कि वो गलत हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम आपको ये बताएँ कि ये ठीक नहीं है अमल, और इसके अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद भी है और उससे बढ़कर यकीन है कि जितनी मेरी सहेलियां देख रही हैं, अगर उनके घर में कोई ऐसा ही बात करता होगा तो वो ज़रूर उसको बदलने की भी कोशिश करेगा, और कम से कम इस बारे में सोचेंगे तो सही कि ये बात गलत है। और सोच जो है वो सबसे अहम चीज़ है अपने अमल को बदलने के लिए। तो वादा आपसे हो गया जी, और वादा वफाई हमने भी करनी है और आपने भी करनी है कि इंशाल्लाह इस अमल को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे पास तो आज मैं कहती हूँ रौनक है, मेला है, ऐसी ऐसी शख्सियात हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं। एक जो प्ले ए प्लस की पहचान बना, जिसकी वजह से उसको वो हाइप मिली, कहते हैं कि एक आधा प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो उठा देता है आपके किसी भी चैनल को, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट हमारा मैं मर गई शौकत अली, जिसने धूमे मचाए हुए हैं हर तरफ। आज उसकी कास्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सा दुख का भी दिन है कि वो आखिरी एपिसोड है, तो हमने सोचा कि इस थोड़ा सा जो दुख है इसको खुशी में बदला जाए और पूरी कास्ट को आपसे मिलवाया जाए। और आज मैं आपकी मुलाकात अपने एक उस्ताद से भी कराऊंगी। तो यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लोगों से मिलवाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट से मिलवाते हैं आफ्टर दिस ब्रेक।